आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के एक बयान पर अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने केशव मौर्य को कहा कि आपकी गर्मी जनता ने निकाल दी। इस दौरान सदन का माहौल में खूब हंगामा हुआ। वहीं बहस के बाद सीएम योगी ने सदन में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल न करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के नामांकन कर दिया है। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के अलावा डिंपल यादव का भी इस लिस्ट में नाम है। कपिल सिब्बल के नामांकन के साथ साफ हो गया कि सीनियर कांग्रेसी कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में राज्यसभा जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे जनहित के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे और समाज के हित के लिए काम करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले पर आज वाराणसी के सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल हिंदू पक्ष के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई है। इस पर आज सुनवाई होनी थी। सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इसको लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेन्द्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि 1968 के पुराने समझौते पर मंदिर ट्रस्ट ने कभी आपत्ति नहीं जताई और बाहरी लोग इस केस में याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को 31 मई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में लॉ के 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन का दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। खबर हरदोई से है, जहां चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन पताल के संडीला पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को एक तमंचा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ऑपरेशन पाताल अभियान के तहत संडीला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को मैथ तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसका नाम शहाबुद्दीन है, जो आटामो का रहने वाला है। उससे पूछताछ कर उसने बताया कि जामू के जंगल से मैं तमंचा लेके आ रहा हूँ। पुलिस ने वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ एक व्यक्ति रामशंकर निवासी लोहरई, वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 बने हुए तमंचे तथा 4 अर्धनिर्मित तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस पर उचित दरों में अभियोग पंजीकृत करके दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर अलीगढ़ से, जहां जिलाधिकारी की जमीन पर जानौद इंफ्राटेक बिल्डर ने बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर दिया है। वहीं इस मामले में अब बिल्डर सहित 11 लोगों के खिलाफ राजस्व लेखपाल की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो FIR में लेखपाल ने लिखवाया है अपनी रिपोर्ट के आधार पे, जांच आख्या के आधार पे, उसमें जो नंबर है जमीन का 520 नंबर है, उसका टोटल रकबा 897 एयर का है, जिसमें से 576 एयर अभी भी जिलाधीश के नाम से दर्ज है। तो इस जमीन पर ये निर्माण होता हुआ पाया गया इनकी जांच आख्या के अनुसार, और उसी पे FIR कराई गई है। हमने एक जमीन यहाँ खरीदी हुई है मैरिज रोड पर,
एम हैदर से, इसमें कम से कम 20-25 साल गवर्नमेंट की कैंटीन रही है, सरकारी कैंटीन रही है, गवर्नमेंट ने उसका किराया पे करा है और वो बैनामा जो हमारे उसके नाम जिससे हमने खरीदी थी उनके नाम बैनामा गवर्नमेंट ने बैनामा किया हुआ है और गवर्नमेंट ने उसका रेंट दिया है। उसके बाद आज की डेट में 4 साल से हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद अधिकारी लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें ये ज़मीन आपकी फर्जी है, आप सरकारी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जबकि हमें सभी डिपार्टमेंटों से इसकी NOC ली हुई है, सीलिंग से, नगर निगम से, ADS ने हमारा नक्शा पास है, सभी जगह से हमें वो हुई है। जिलाधिकारी कहाँ से इसमें मालिक बन गए ये आप बताओ, लेकिन कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार ही नहीं है कि ये मालिक। खबर कानपुर से, जहां पुलिस कमिश्नर ने लाइन सभागार में बैठक की गई। इस अहम बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था और व्यापारियों की समस्याओं को जानने के लिए खास चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुख्य रूप से जो आज ये कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें हम लोग जो ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो ट्रैफिक और शहर की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में मीडिया को एक तो ब्रीफ करना था, साथ ही साथ में जो हम सभी ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं, व्यापारियों की मीटिंग कर रहे हैं और जो ई रिक्शा हैं शहर के अंदर, जो गाड़ियाँ हैं, उन सब की, सभी लोगों की, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हम अपना अपनी जो योजना है उनको बता रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मैं जो शहर की जो जाम की समस्या है और अन्य जो समस्या है उनका निराकरण हो सके, उसी क्रम में। खबर रायबरेली से, जहां तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज थाने में कल एक अभियोग गोकशी का दर्ज किया गया, जिसके संबंध में तत्काल दबिश देकर नौशाद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में एक फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से कहा गया कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने के कुछ सीन शामिल किए गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। आज हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक मुरादाबाद की ओर से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कि आने वाली 27 मई को एक पिक्चर रिलीज हो रही है देहाती डिस्को नामक, जो कि जिसके ट्रेलर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें हिंदू धर्म के आस्था स्थल मंदिर और हमारे देवी देवताओं को उसमें एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ किया गया है मजाक के रूप में। तो हिंदू समाज अब इतना मजबूत हो चुका है योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में कि वो अपने धर्म स्थलों का और अपनी देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ने देगा, और अगर 27 मई को पिक्चर रिलीज होने के बाद, पहला शो चलने के बाद ये चीज़ सिद्ध होती है कि इसमें सही में ही, क्योंकि अभी तो ट्रेलर में सिर्फ इतना पता लगा है, अगर पिक्चर में भी यही चीज़ पाई जाती है तो जिलाधिकारी महोदय को ये चेतावनी के रूप में एक ज्ञापन है कि अगर जिला प्रशासन इस पिक्चर के शो को आगे के नहीं रुकवाता, अगर ऐसा पाया जाता है तो हिंदू युवा वाहिनी स्वयं रुकवाएगी, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन खुद होगा। खबर बदायूं से है, जहां प्रशासन के निर्देश पर अपराधी बलबीर की 3,23,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। दरअसल अपराधी की यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति को कुर्क कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद एक कार्रवाई हुई। फिरोजाबाद में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल से तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों के पास से कई मोबाइल और बाइक बरामद हुए हैं। इसके अलावा असलहे भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुए शातिरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना उत्तर से संबंधित है, जहाँ संजीव दुबे प्रभारी निरीक्षक उत्तर की टीम ने ये 3 मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ा है और इनके निशानदेही से एक लूट का मोबाइल, एक चोरी का मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं 315 बोर के और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दूं कि ये 3 केस इनसे वर्कआउट हुए हैं और इन्होंने मंडी के सामने एक मोबाइल स्नैचिंग की थी और उस समय से वादी लगातार मिल रहा था, वादी परेशान था इसमें, तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद लेते हुए ये घटना का अनावरण किया गया। आज इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आए दिन हो रहे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजो मामले में एक वैन मेरठ से गाजियाबाद की तरफ आ रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर वैन पलट गई।
गाड़ी पलटने के बाद आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में बैठे कुछ महिला और पुरुष आग की चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, बाकी अन्य झुलसे हुए हैं। लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये लगभग 4:15 के आसपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक मारुति ओमनी वैन थी जो कि पलट गई और उसमें आग लग गई है। 2 लोगों की इसमें मौके पर मृत्यु हो गई थी और इसमें कुल 6 लोग थे। बाकी जो 4 लोग हैं उनको कोलंबिया अस्पताल भिजवाया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो अभी तक की जानकारी आई है कि उसमें 3 लोगों को चोटें हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। और ये सभी अभी तक जो जानकारी है ये व्यक्ति हरिद्वार से थे। और बाकी जानकारी एक बार घायलों से बात कर ली जाएगी, फिर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तृतीय पर जिला और न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने प्रेम प्रकाश को अदालत में दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने फौजदारी वाद संख्या 2934/2016 सरकार बनाम प्रेम प्रकाश की अपीलार्थी अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह पर लगाए गए आरोप के अंतर्गत कई धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता से दोष मुक्त कर दिया है। वहीं प्रेम प्रकाश को न्यायालय में दोष मुक्त किए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर रही। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।